मेरे स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत प्रिय छात्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को समाप्त किया। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन। इसमें हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो कि हमारे सामने है, ठीक है। बट इसको बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप इंट्रोडक्शन सेक्शन को नहीं देखे हो तो फिर ये वीडियो में और इस क्लास में जो है आपको विशेष दिक्कत होने, तो इसलिए पहले आप जा कर के जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देख लो, क्योंकि वहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या क्या मेंशन किया है, क्या क्या पढ़ा है। तो बीपीटी थ्योरम यानी जिसको एल्स प्रमेय बोलते हैं, उस प्रमेय को हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है, और साथ ही साथ वहाँ पे हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम जो है उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसी के आधार पे जो है ये टोटल एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि पहले जा कर के जो है आप उन एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से स्टडी कर लो, ताकि जो है सवालों को करने में समस्या, ठीक है जी। तो अगर अभी तक आपने उस इंट्रोडक्शन सेक्शन को नहीं देखा है तो जाओ पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट, ओके। तो अब हम चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के। देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास क्या जी, क्या क्वेश्चन है कह रहा। देखिए यहाँ पे टाइपिंग हो गई आकृति 6.17 की, जो आकृति बगल में आपको दिया गया है वो तो कौन सी आकृति है जी, 6.17 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें एक और दो में DE पैरेलल है, DE पैरेलल है BC, यानी यहाँ पे देखिए फिगर वन और फिगर टू में DE जो लाइन है वह BC के पैरेलल है, और इसमें जो है DE लाइन जो है वो भी BC के पैरेलल है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक में जो है आप EC का वैल्यू पता करिए और दूसरे में जो है ED का वैल्यू पता, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं का वैल्यू क्या आने वाला। तो फॉर फिगर वन, फॉर फिगर फर्स्ट क्या दिया है भाई, तो DE पैरेलल क्या दिया है, DE पैरेलल BC। तो जब DE पैरेलल है BC के तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर AD पट्टे का DB बराबर AE बटे का EC, इसे भाई तो BPT से थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं BPT, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है, AD का वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमें AD का वैल्यू दिया हुआ है और AE का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे BD का वैल्यू दिया है, और हमको ये वाला वैल्यू पूछ, ठीक है। तो चलोगे देखोगे कैसे इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, AD बराबर क्या दिया है, AD बराबर दिया है क्या 1.5, और DB बराबर दिया है 3, और इक्वल्स टू AE बराबर दिया है 1, और EC बराबर नहीं, इसका वैल्यू ही हमें फाइंड कर। तो अगर हम EC निकालने चलते हैं तो क्या मिलेगा हमें, EC बराबर 3 by 1.5, ठीक है। तो अगर हम 1.5 से 3 को डिवाइड करते हैं तो EC बराबर मिल जाएगा हमें, EC बराबर इसी बराबर क्या मिल जाएगा कि अगर हम इसको कटा दें तो कितना से कट जाएगा जी, अगर हम इसको 1.5 से 3 को कटाएं तो ये 2 टाइम्स में
हो जाएगा, देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें, ईसी बराबर 2 सेंटी, यही हमें ठीक है वैल्यू। ठीक है तो एक आंसर ये हो गया हमारा। आइए इसका दूसरा फिगर हम स्टडी करेंगे और उसको ठीक है जी। फिगर टू, फॉर फिगर सेकंड, ठीक है क्या दिया है कि डी ई पैरेलल बी सी, हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी है ना, और इससे लिखेंगे भाई तो ये लिखेंगे हम बी पी टी यानी कि थेल्स। ओके तो अगर मैं इसका वैल्यू रख दूं तो ई डी का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है जी ई डी का वैल्यू नहीं पता, लेकिन बी डी का वैल्यू पता है कितना है 7.2, और इसका वैल्यू कितना है जी तो 1.8, इसका वैल्यू कितना है तो 5.4। ठीक है अगर मैं ई डी का वैल्यू निकालूं, ई डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.8 × 7.5 / 5.4, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो 1.8 से 5.4 कैंसिल होगा 3 times, और इस 3 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 और 0.35, यानी कि मिल गया क्या, देयरफॉर मिल गया क्या AD बराबर क्या मिला, देयरफॉर AD बराबर हमें क्या मिला, AD बराबर मिला 2.5, और यही ठीक है। तो होप कि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है इस तरह से ये नेक्स्ट हमारा ठीक है। तो जो चीज़ें हमें पता करनी थी वो हम लोगों ने देख लिया, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में, देखो जो थ्योरम पढ़े हैं उनके लिए इस क्वेश्चन में कोई, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ बिंदु निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए, ई एफ पैरेलल है क्यू आर की। तो सबसे पहले बनाएंगे एक ट्रायंगल, ठीक है इसका नाम दे देते हैं हम जी, तो इसका नाम हो जाता है पी क्यू आर, इसमें जो है इस वाले साइड पर क्या है, इस वाले साइड पे एक बिंदु ई है और इस वाले साइड पे एफ है, ठीक है इस वाले साइड पे एक बिंदु, यदि हम इन दोनों को मिला दें, इस वाले पॉइंट को हम मिला दें तो देखिएगा हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर वाला मिलेगा वैल्यू हमें, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए पी की पी की बार की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है तो निम्नलिखित में से फर्स्ट स्टेट और फर्स्ट केस और फर्स्ट केस क्या दिया है हमें, तो दिया है कि पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर कमा ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर कमा और पी एफ बराबर 3.6 मीटर कमा एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हम इस बात को कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये ईएफ जो है क्यूआर के पैरेलल है कि नहीं, देखो बीपीटी के कन्वर्स से हम लोग पढ़े थे कि अगर
एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमने पढ़ा था कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स प्रमेय के विलोम से, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के अकॉर्डिंग यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए और वह रेखा जो है त्रिभुज के दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर समान अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर हो। यानी कहने का मतलब है कि हमने पढ़ा था कि जैसे कि इस फिगर के लिए कि अगर ऐसा हो जाए कि PE बटा PQ बराबर हो जाए PF बटा FR के, तो अगर ऐसा हो तो क्या कह सकते हैं BPT कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल PQR कब, जब ऐसा हो तब हम ऐसा कर, जब ऐसा हो तब हम ऐसा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये जो वैल्यू दिया है उस बात के हिसाब से अगर ये वाली बात फिट बैठती है तो कहेंगे कि ये जो है क्यू आर के बराबर है, ठीक है, क्यू आर के समानांतर है, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं, PE बटा EQ बराबर कितना दिया है, 3.9 बाई 3, ठीक है। और इधर में मैं बात करूं तो PF बटा FR बराबर कितना दिया है, 3.6 बाई 2.4। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1.3 सेंटीमीटर, और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 36 बाई 24, तो 6 के 36, 6 चौका 24, मिलेगा क्या, 6 बाई 4, जो कि यह दिखा रहा है कि PE रेशियो EQ बराबर नहीं है PF अपन FR के। हम कह सकते हैं देयरफॉर PF पैरेलल नहीं है QR, PF पैरेलल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पैरेलल के साइन को क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, तो इसका अर्थ हो गया क्या कि EF जो है पैरेलल नहीं है QR के। पैरेलल होने के लिए शर्त क्या है कि PE बटा EQ बराबर होना चाहिए PF बटा FR के, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और क्या दिया है, PE PE = 4 QE 4.5 PF 8 और RF 9, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया है, PE और क्या दिया है, PE और QE, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर PF बाई EQ बराबर हो जाए PF बटे FR के, तो कह सकते हैं क्या कि EF जो है EF पैरेलल है QR के। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं, PF का वैल्यू है 4 और EQ का वैल्यू है 4.5 इक्वल्स टू, देखते हैं कि बराबर है कि नहीं, PF क्या है जी, तो 8 अपन RF क्या है जी, तो 9, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं कि यह किसी भी हाल में एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर वी कैन से डेट कि EF पैरेलल नहीं है QR के, EF पैरेलल नहीं है QR
क्यू आर के, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के, ठीक है। तो आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और इसके केसेस को, ठीक है। तो लास्ट केस हमारे पास क्या बचा है, केस नंबर 3, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। आप इसको चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या फिर रेशियो को देख सकते हैं, पी एफ बाई ई क्यू जो है बराबर नहीं है पी एफ बटा, सॉरी यहाँ पे पी ई होना चाहिए, सॉरी 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 यहाँ पे पी ई होना चाहिए, ठीक है। तो आप पी ई बटा ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर के, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ई एफ जो है पैरेलल नहीं है क्यू आर के, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं केस नंबर 3। यहाँ पे हमें दिया क्या है, तो हमें दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर इतना और पी आर बराबर इतना और पी ई बराबर इतना। मेरे स्टूडेंट्स आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। देखोगे यहाँ पे दिया क्या है हमें, तो हमें दिया है पी क्यू बराबर इतना, पी आर बराबर इतना, पी ई बराबर 0.18 सेंटी और ई बराबर 0.3। अब आप सोच रहे होगे कि इसका जो हम लोग चेक कर रहे थे कि पी ई बटे ई क्यू और पी ए बटा एफ आर को लगा कर चेक कर रहे थे कि अगर वैल्यू जो है दोनों रेशियो का सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल क्यू आर, अगर नहीं आए तो हम कह सकते हैं पैरेलल नहीं है क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि भाई हमें पी आर दिया हुआ है और इसमें जो है हमें पी एफ दिया हुआ है, ऐसा तो कोई रिलेशन हम लोग पढ़े नहीं थे, ठीक है। तो आगे कुछ है नहीं, कुछ इसी का मैं दूसरा रूप लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देख। ये है आपका पी एफ बटे पी क्यू बराबर, सर कर लेते हैं पी ई बटे पी क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर। तो एक फॉर्म उसी का हमने ये लिखा, ठीक है, इसी से हमने इसको लिखा, ठीक है। कैसे लिखे बताएंगे, पहले आप समझो इस बात को, ठीक है। इसी का एक और फॉर्म होता है, उसको हम लिख सकते हैं क्या, पी क्यू बटे का पी क्यू बराबर पी आर बटे का एफ आर। ओके, इसी वाले फॉर्म से जो है, इसी वाले फॉर्म से जो है हमने ये दोनों फॉर्म को, दोनों फॉर्म को जो है इसको और इसको, दोनों को जो है हमने बनाया है। अब ये आया कैसे, ठीक है, ये आया कैसे इसको देखोगे, ये है क्या, कुछ है नहीं, ये आप इसको बोल सकते हैं ये दोनों फॉर्म जो है, तीनों फॉर्म जो है एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, ये वाला और तीनों जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट। आओ पहले हम इसको प्रूफ करते हैं आखिर ये आता कैसे है ना, ध्यान से देखोगे, लास्ट टाइम बता रहे हैं इसके बाद फिर नहीं, और बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स पे जो है हम इन सब का अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा रहे तो हम कह सकते हैं लाइन पैरेलल है, ऐसा भी रहे तो कह सकते हैं लाइन पैरेलल होगी, और ऐसे भी क्या तो कह, या फिर अगर ऐसा दिया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बीपीटी से हम ये कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखोगे ये वाला फॉर्म हम निकालने चल रहे हैं, ये आया कहाँ से, इस वाले फॉर्म से है ना, इस वाले फॉर्म से आया हुआ। तो ध्यान से देखोगे हमने लिखा पी ई बटे का पी ई बटे का ई क्यू बराबर पी एफ बटे का एफ आर, ठीक है। इसी से हमको ये वाला फॉर्म लाना है, ठीक है। तो देखोगे क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, है ना, ई क्यू बटे पी ई बराबर एफ आर बटे का
एफ आर बटे का पी एफ, रेसिप्रोकल करके दोनों साइड जो है हम वन प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों साइड वन प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, मैं देख क्या मिलेगा, पीई, और इधर मिल जाएगा पीई प्लस ई क्यू। एलसीएम लेके आप ऐसे बना सकते हो, और इधर हो जाएगा हमारा पी एफ बटे का, पी एफ बटे का एफ आर प्लस पी एफ। ठीक है, देखोगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ई प्लस ई क्यू को देखो कहाँ है पी ई, और पी ई प्लस पी ई प्लस ई क्यू हम लिख सकते हैं क्या, टोटल पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू बटे का पी। ठीक है, और इधर एफ आर प्लस पी एफ को हम लिख सकते हैं पी आर बटे का पी एफ। ठीक है, और इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल मीन्स इसी को अगर हम उलट दें, ठीक है, इसी को अगर हम उलट दें तो क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा पी ई बटे का पी क्यू बराबर पी एफ बटे का पी आर। और इस तरह से हमारा ये वाला फॉर्म जो है अब रेडी हो चुका, ये वाला फॉर्म जो है अब रेडी हो चुका। तो ये था, हमने इसी फॉर्म से जो है इसको निकाला। ठीक है, अब देखोगे इसी से जो है हम इसको भी निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, देखोगे अब इसी फॉर्म से जो है हम वाले फॉर्म को निकाल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पीई बटे का पी क्यू बराबर पी एफ बटे का एफ आर। और इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, वन प्लस पीई बटे का ई क्यू बराबर पी एफ बटे का एफ आर और प्लस वन कर। ठीक है, प्लस वन कर बराबर है। ठीक है, तो देखोगे कि क्या मिल जाएगा हमें, वन प्लस अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ई क्यू बटे का ई क्यू, और इधर मिल जाएगा हमें ई क्यू प्लस का पी ई, इधर क्या मिल जाएगा ई क्यू प्लस का बराबर, इधर अगर एफ आर बाई वन का हम एलसीएम ले, एफ आर बाई वन का अगर हम एलसीएम ले तो क्या मिल जाएगा एफ आर, एफ आर, और इसको अगर हम करें तो एफ आर से एफ आर, तो ये हो जाएगा हमारा पी एफ और प्लस का एफ आर, और अगर कुल मिलाकर हम ई की और पी के जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा पी क्यू बटे का ई क्यू बराबर, पी एफ प्लस एफ आर को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा पी आर बटे का एफ। तो आप देख सकते हो इसी से हमने ये वाला रूप। ठीक है, तो देखो कुल मिलाकर कहना यही है कि इसी वाले फॉर्म का जो है यह दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लाइन पैरेलल कह सकते हैं, तो अगर ऐसा भी है हम इस दोनों लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी है तो हम इस दोनों लाइन को पैरेलल कर, या फिर अगर ये लाइन पैरेलल है कि जब जब रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ये रेशियो समानुपाती होंगे, यानी ये अनुपात जो है समानुपाती होंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आई होप कि अब ये बात आप समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व हम कैसे करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस प्रूफ को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं बताने। ठीक है,
चलो जी, और इसका यूज आगे के क्वेश्चन में होते रहेगा, ठीक है। तो चलो, क्या हमारे पास पी बटे का पी क्यू बराबर पी एफ बटे का पी आर, ठीक है। वैल्यू दिया है पी, पी का वैल्यू 0.18 में है सब, और पी क्यू का वैल्यू दिया है 1.8 बराबर, पी आर का वैल्यू दिया, पी एफ का वैल्यू दिया है 0.36 और पी एफ का, पी आर का वैल्यू दिया है 2.56, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 18/128×100/100, ठीक है, इक्वल्स टू 36/256×100/100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 18/128 इक्वल्स टू 36/256। तो अगर आप इसको काटोगे तो 9/64, और इसको भी काटोगे तो हो जाएगा 9/60। देयरफॉर मिलेगा क्या हमें, इस जगह से मिला क्या, 9/64 बराबर है 9/60 के। तो आप देख सकते हो इन दोनों ही अनुपातों का, ये दोनों ही अनुपात जो है इक्वल हैं। अगर ऐसा है कि रेशियो जो है समानुपाती है, तो हम कह सकते हैं कि पीई लाइन जो है, अगर ऐसा है कि अनुपात समानुपात है, तो हम कह सकते हैं कि ये ई एफ लाइन जो है क्यू आर के पैरेलल होगा, ठीक। तो होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अब अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है। बस इसका प्रूवमेंट हमें थोड़ा सा देखना था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हमने पहले प्रूफ किया और फिर जो है इसको हम सॉल्व किए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहा है कि आकृति 6.18 क्यों है, फिगर 6.18, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि LM जो है पैरेलल है BC के और LN जो है पैरेलल है DC के, तब आप प्रूफ करो कि AM बटा AN बराबर है AB बटा AD के, ठीक है, AB बटा AD के, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे प्रूफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो अगर मैं चलू त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में LM पैरेलल BC, तो हम लिख सकते हैं LM पैरेलल BC, तो क्या लिख सकते हैं कि AM बटा AB, ठीक है, बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि AL बटा AC। किससे लिख सकते हैं भैया, तो हम लिख सकते हैं PPT यानी कि सेल्स परमिशन, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि दो लाइन पैरेलल हो तो भुजाएं अनुपातिक हो, और अभी उसका दूसरा रूप हम लोगों ने पढ़ा, पहले क्या पढ़ा था कि AM बटा MB और AL बटा LC। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था इसके पीछे कि ऐसा भी हो सकता है कि AL बटा AC और AM बटा AB, ठीक है। तो ये वाली बात हमने लिखा और ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक है। अगेन त्रिभुज ADC में देखो कि ADC में क्या है कि लिख सकते हैं कि AN बटा AD,
एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा ए सी। ठीक है, ये भी हम किससे लिख सकते हैं और ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि एल एन पैरेलल है इसके डी सी की, डी सी की, तब हम ये बात लिख सकते हैं, तब हम ये बात लिख सकते हैं। और ये क्यों लिख सकते हैं, तो बी पी टी से लिख, तो हमने किया समीकरण। और एक और दो को देखें तो एल आर एच एस जो है दोनों का बराबर है, आर एच एस जो है दोनों का बराबर है, तो समीकरण एक और दो से समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से क्या करेंगे, समीकरण एक और दो से ये लिख सकते हैं कि ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के, ए एन बटा ए डी के, और इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ये हो जाएगा हमारा ए एम इंटू ए डी और बराबर ए बी इंटू ए एन। ठीक है, और अब इसको जो है हम भेज देते हैं अगर इधर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एम बटा ए एन, अगर इस एन को हम इधर भेजें और इस ए डी को जो है इधर भेज दें तो क्या मिल जाएगा, ए एम बटे का ए एन बराबर ए बी बटे का क्या मिल जाएगा हमें, ए बी बटे का ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में ए डी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या मिल गया, ए एम बटे ए एन ना इक्वल्स टू ए बी बटे ए डी, और यही हमें प्रूफ। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आई है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे आकृति होना चाहिए, देखिए आकृति 6.19। ठीक है, DE पैरेलल है किसके, AC के। ठीक है, DE पैरेलल है किसके, AC के, चलिए DE पैरेलल है AC के। ठीक है, और DF पैरेलल है AE के, किसके किसके, तो DF पैरेलल AE के। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि PF बटा PE बराबर FE बटा EC, हमें ये वाली बात प्रूफ करनी है, ये वाली बात हमें प्रूफ। ठीक है, तो देखेंगे ये कैसे हो सकता है, तो अगर मैं कहूँ कि आप जो है अगर ये वाला पैरेलल है इस वाले लाइन के, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम से कि BD बटा AD बराबर PE बटा EC, और पुनः हम अगर ऐसे कर दें इस वाले ट्रायंगल में ए बी ई में, जब ये पैरेलल है ए के, तो फिर हम ये लिख सकते हैं बी डी बटा ए बी डी ए और इधर बी एफ बटा एफ ई। तो जब एल एच एस जो है एल एच एस दोनों का बराबर हो जाएगा, तो हम आर एच एस भी आपस में बराबर कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या भाई कि ए बी सी में डी ई पैरेलल है ए सी के, इसके डी ई पैरेलल है ए सी के, तो इसलिए हम ये बात लिख सकते हैं कि डी बी बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी, इससे भाई तो ये हो सकता है हमारा किसे बी पी टी से, है ना, यानी कि थेल्स परमिट से। ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलो जी, इसको हम करते हैं इक्वेशन 4 और पुनः चलते हैं
त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, ए बी ई में देखोगे डी एफ पैरेलल है ए ई के, इसके ए ई के, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी डी बट्टा डी ए बराबर है डी एफ बट्टा एफ ई के, ठीक है। और ये क्यों लिख सकते हैं, तो ये भी हम लिख सकते हैं किससे, तो बीपीटी से यानी थेल्स पर, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन से। और गौर से देखो तो ये एलएचएस जो है बराबर है दोनों इक्वेशन की, तो आरएचएस भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक तथा दो, ठीक है, क्या हो जाएगा कि बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें मिल जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं ये हो जाएगा हमारा ई सी गुणे बी एफ बराबर क्या हो जाएगा बी ई गुणे एफ ई, ठीक है। तो देखोगे अगर हम बी एफ को यहीं छोड़ दें तो बी एफ और इधर से एफ ई को जो है बी ई को जो है इधर ला दें तो ये हो जाएगा बटे में बी ई, और इधर से एफ ई को जो है इधर ही छोड़ दें तो इधर से जो है आपका ई सी जो है चला जाएगा कहाँ, तो देयरफॉर मैं यही बात प्रूफ करनी थी, और ये बात हमको क्या हुई जी भाई मिल गई। आप देख लो, चेक करो, देखो मिल गया है, देख लो क्या मिला है भाई। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी एफ बटे बी ई बराबर है एफ ई बटे ई के, और यही बात हमें प्रूफ करनी है। क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, प्रूफ, ठीक है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आई है, ठीक है, बस कुछ है नहीं। अगर आपको थ्योरम पता है और लॉजिक को हम समझ पा रहे हैं तो जो है हम इन बातों को प्रूफ कर सकते हैं, अन्यथा प्रूफ करना कठिन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।